करनाल की सीआईए वन पुलिस ने हत्या, लूट व स्नैचिंग जैसी गंभीर वारदातों में संलिप्त दो इनामी मोस्ट वांटेड आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि हरियाणा पुलिस विभाग के द्वारा वर्ष 2019 में आरोपित कृष्ण दादूपुर पर 5 लाख रुपए व आरोपी सन्नी उर्फ मास पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपित बबली, अंजन थली व पिंटू दादूपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं। बता दें कि पुलिस टीम द्वारा साइबर सेल करनाल के सहयोग से विश्वसनीय सूचना पर आरोपित कृष्ण उर्फ काला निवासी गांव दादूपुर व सन्नी उर्फ मास निवासी लाडवा को नगर मोहाली पंजाब से काबू किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल, करीब 200 जिंदा रौंद, एक गाड़ी क्रेटा, 8 लाख रुपए नकद, 4 मोबाइल फोन, इंटरनेट डोंगल व अन्य सामान बरामद किया गया। बरामद क्रेटा गाड़ी भी आरोपी द्वारा थाना चीका कैथल के एरिया से छीनी गई थी। आरोपियों के खिलाफ जिला करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल व झज्जर में हत्या, लूट, स्नैचिंग के करीब 2 दर्जन मामले रजिस्टर हैं। वहीं बताते चले कि जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी कृष्ण वासी दादूपुर अपनी गैंग का मुखिया है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए करनाल पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों द्वारा हरियाणा के अलग अलग जिलों में लूट, हत्या व स्नैचिंग की दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया गया था। इनके अलावा भी आरोपियों से कई वारदातों के खुलासा होने की संभावना है। गंभीर वारदातों में 2 आरोपी वांछित थे, जिनको जिले के अति वांछित अपराधी घोषित किया गया था और उनपे एक पे 5 लाख रुपए का इनाम और एक पे 2 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय की ओर से जनवरी 2019 में घोषित किया था। इसके बाद में हमारी सीआईए की टीमें लगातार रेड कर रही थी और लगातार इसके बाद इनके बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार इन दोनों के पीछे लगे हुए थे। हमारे इंस्पेक्टर दीपेंद्र और उनकी टीम लगातार इस दिशा में कार्य कर रही थी। इसी दौरान हमें एक लीड मिली कि दोनों आरोपी है वो मोहाली के एरिया में हो सकते हैं। हमारी टीम वहां पर पहुंची और विश्वसनीय सूत्रों से जो भी जानकारी मिली थी और जो भी साक्ष्य थे उनके आधार पर टीम ने उन दोनों को वहां के एरिया से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें एक कृष्णवासी दादूपुर रोडान है और दूसरा सनी उर्फ मास जो कि कुरुक्षेत्र जिले का रहने वाला है, उनको दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी हमारे एक जुलाई 2019 का मर्डर केस जो कि बबली की हत्या की गई थी और दूसरा जनवरी 2019 का केस है जिसमें पिंटू की हत्या की गई थी, उसमें वांछित चल रहे थे। इसके अलावा भी इनके खिलाफ स्नैचिंग और लूट की अनेक वारदातें इनके खिलाफ दर्ज है। हम जितने भी आसपास के जो पुलिस स्टेशन हैं जहां पर इनके द्वारा वारदातें करने अंजाम देना स्वीकार किया गया है, वहां के पुलिस स्टेशन से सूचना एकत्रित कर रहे हैं ताकि FIR और उनका ब्यौरा एकत्रित किया जा सके। काफी समय से जो है तलाश थी तो CIA वन शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, तो क्या रिवार्ड के लिए लिखा जाएगा? जी देखिए, इस संबंध में पहले से ही पुलिस मुख्यालय की ओर से कृष्ण वासी दादूपुर पे 5 लाख रुपए का और सनी उर्फ मास जिला कुरुक्षेत्र पे 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। टीम ने निश्चित तौर पे एक बेहतरीन कामयाबी हासिल की है और टीम ने इस दिशा में काफ़ी मेहनत भी की है। इसके लिए हमारी CIA 1 की टीम और इंस्पेक्टर दीपेंद्र सभी बधाई के पात्र हैं। सर, अभी कितने इनके साथी अभी भी फरार हैं? देखिए, अभी इनका से हम पूछताछ कर रहे हैं। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि इनका अभी जो बबली है उसका भाई नरेश जो कि जेल में बंद है और दूसरा उन नरेश का दामाद रोमिल, उनको भी मारने का ये प्लान बना रहे थे। तो इस दिशा में हम इनसे और पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक जो हमारे इनसे हमने एक क्रेटा कार जो कि लूटी गई थी, 3 हथियार, 200 के करीब जिंदा कारतूस, 8 लाख रुपये नकद ये बरामद। नरेश हाजरकली बबली के भाई और रोमिल चौधरी को उसके जो दामाद हैं उनको मारने की प्लानिंग। देखिए, ये अभी तक इन्होंने जो जांच की है उसमें जो कुछ डायरी इनके पास में मिली है उसमें लिखा हुआ है या इन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया है, हम इनका और अभी सत्यापन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो इन्होंने हथियार और जो कारतूस इकट्ठे कर रखे थे उसके जांच के आधार पे ये बात सामने। ये पता लगाया जाएगा कि कितने दिन कहां छुप रहे थे, कितने टाइम कहां कहां रहे, किस किस की शरण में रहे। देखिए, जो अभी भी मैंने बातें बताई है ये प्रारंभिक जांच में जो चीजें सामने आई है वो मैंने बताई है। अभी हम इनका पुलिस रिमांड भी हासिल करेंगे, जो इतने भी इन्होंने चीजें बताई है उनका सत्यापन भी करेंगे, मामले को जो भी और साक्ष्य हम एकत्रित कर सकते हैं वो करेंगे और साथ में इनको किसके द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही थी इसके बारे में भी हम जानेंगे। चुनौतीपूर्ण बड़ा काम रहेगा क्योंकि नरेश अजंथली भी जेल में है और ये भी अगर जेल में जाते हैं तो गैंगवार ना हो तो उसको लेकर किस तरह से ध्यान रखा जाएगा कि एक ही जेल में ये ना रहे। देखिए, जब भी मोस्ट वांटेड या इस प्रकार का जो अपराधी है या आरोपी है उसको हम जब जेल से कोर्ट में पेश करते हैं तो हम एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करते हैं और हम आगे भी ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार से इस प्रकार की आगे से ये आरोपी वारदात को अंजाम ना दे सके, इसलिए कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा रहे और जेल में भी सुरक्षा रहे, इसके लिए हम जेल अधीक्षक से भी पता चल। विदेश में भी गए हैं कभी? जिस तरह की जानकारी आती थी ये लोग फेसबुक पर लाइव होते थे, इंटरनेट के कुछ वाईफाई मॉडम्स भी इनसे मिले हैं, किस तरह से ये सब कुछ कर रहे थे? देखिए, कुछ जिला करनाल का एक व्यक्ति रहने वाला है जो विदेश में है, सेटल्ड
है वो भी इनको यहाँ वहाँ से पैसे भेजता था, ये बात सामने आई है। और 8 लाख रुपए के आसपास नगद भी इनसे मिले हैं और इन्होंने वेपन भी कुछ खरीदे हैं, एक वेपन इन्होंने 4.5 लाख रुपए के आसपास में खरीदा था। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई इनको आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था। उसकी इन वारदातों में क्या संलिप्तता है, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, वो अभी जाँच का विषय है। इकट्ठे थे बबली अंजनथली और ये लोग कभी इकट्ठे थे, क्या नया गैंग बनाया, कोई किसी गैंग के साथ थे शामिल? देखिए इसमें जैसा कि आपको भी विदित है, दलबीर और नरेश की आपसी दुश्मनी रंजिश शुरू हुई थी, जिसमें कृष्ण दादूपुर भी दलबीर से मिला हुआ था, बाद में दलबीर की हत्या कर दी गई थी। इनके बाद में आपस में विवाद होते रहे और लगातार अभियोग अंकित होते रहे, जो पुलिस के लिए भी एक चुनौती का काम था, क्योंकि कृष्ण दादूपुर और शनि मास के बारे में लगातार लोग भी पेश होते रहते थे कि ये आगे से भी हत्याकांड को अंजाम दे सकते हैं, तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन CIA 1 की टीम ने बड़ी जबरदस्त मेहनत इसमें की है और दोनों को पकड़ने तो जवाबी फायरिंग इन्होंने भी कुछ हमला करने की कोशिश करी है, कुछ किया? देखिए अभी दोनों हमने आरोपी को राउंड अप कर लिया है, अभी कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद में माननीय न्यायालय से जो रिमांड भी हासिल करेंगे। अभी हमने इनके बारे में इनसे जो वेपन बरामद किए गए हैं और 200 के आसपास जो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, उनका सोर्स क्या था, किसने सप्लाई किया, उसके लिए आर्थिक रूप से मदद किसने की, वो भी अभी जांच की जाएगी। साइबर सेल की क्या भूमिका रही पूरे ट्रेसिंग में, साइबर सेल की क्या भूमिका रही, क्योंकि फेसबुक पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे? देखिए डेफिनेटली जो CIA और साइबर सेल है वो आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करती है और एक दूसरे को जो सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तभी टीम किसी को आरोपी को पकड़ने में कामयाब हो पाती है। सर इसी मामले में एक फरार आरोपी था जबरा, उसका एनकाउंटर किया गया था, लेकिन सवाल है कि अभी तक पुलिस को रिवार्ड नहीं मिला उस मामले में, एनकाउंटर जो वो उसमें रिवार्ड की जानकारी नहीं निकल कर आई कि अभी? देखिए अभी मैं पता कर लूंगा, अगर उस पर रिवार्ड पुलिस मुख्यालय की ओर से या उच्च अधिकारियों की तरफ से घोषित किया हुआ था तो वो डेफिनेटली टीम को मिलेगा, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि ये वारदातों के बारे में जो बात चल रही थी, तो इनके खिलाफ एक दर्जन से भी ज़्यादा स्नेचिंग की वारदातें सामने आई है, जो इन्होंने कार मोटरसाइकिल इत्यादि स्नेच की है, वो जैसा कि मैंने बताया हम जितने भी पुलिस स्टेशन में जहां उन्होंने वारदात करनी स्वीकार की है वहां से हम FIR नंबर और उसका ब्यौरा मांग रहे हैं, जैसे हमारे पास में एक बार ब्यौरा मिल जाएगा हम इसको भी कंटिन्यू। देखिए अभी तक जो प्रारंभिक जो जाँच हुई है उसमें जो कुरुक्षेत्र, जींद, यमुनानगर, करनाल इत्यादि की वारदातें सामने आई है, फिर भी हम अभी गहनता से पूछताछ करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।